हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और अभी हो रहे हैं 7:30। मैं अभी ऑफिस से घर आई हूँ, जस्ट अभी बैठी हूँ। और ये देखो, ये रियो पागल लड़की, मेरी दिब्बो। गाइस, सूप बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। और दीपक जी आराम से अपने सूप के साथ ले रहे हैं करारी करारी ब्रेड और मक्खन, उनको वो खाना है। ये रही मम्मी, मम्मी को सूप कह रही है, इसमें लहसुन पड़ा हुआ है, मैं नहीं पीऊंगी। और मेरे लिए सूप, मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना गरम गरम सूप। तो फ्रेंड्स, यहाँ सूप वगैरह पी के मैं आ गई थी अपने किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में दाल सब्जी पहले से बनी हुई थी, मम्मी ने बना दी थी, मेरे को सेकनी थी रोटी। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और बना रही हूँ रोटी। गाइस, प्लेट लगा दी है, दीपक जी और मम्मी खाने का वेट कर रहे हैं। उनको खाना ले जाके देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, डिनर करने के बाद 9:10 पे मैं आ गई थी दिव्या को पढ़ाने। और दिव्या का एक चीज़ और बता दूँ, दिव्या के रिवीजन टेस्ट 3 स्टार्ट हो चुके हैं, कल से स्टार्ट हैं। फर्स्ट पेपर है कल दिव्या का रिवीजन टेस्ट 3 का, तो उसकी तैयारी करवा रही हूँ और तय करवा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो सुनाओ, बताओ क्या सुनाना है आपको। तो सुना आपने दिव्या की प्रेयर। दिव्या की बहुत लंबी प्रेयर है, दिव्या को लर्न करानी है, पर 2 लाइंस दिव्या को अभी लर्न है। तो उसने आपको वो सुनाई है। और इसी के साथ अभी मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मिलूंगी आपसे। ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा मेरे कल टिल ऑफिस जाने तक, तो सुबह मिलते हैं गाइस। और हाँ, जो एक पहला चेंज मेरी लाइफस्टाइल में है, जो मैंने आपको बताया कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूंगी, तो कहते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत पुरानी कहावत है, छोटे छोटे बचपन में छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, और हमने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। और मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, यस, या मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। सो यस, जल्दी सोना, जल्दी उठना हमेशा हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो पहली मेरी रूटीन के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे 10:30 के बीच में सो जाना चाहिए। तो मैं 10 बजे बेड पर आ गई हूँ, मैं सो जाऊँगी और सुबह मिलती हूँ 6:30 के बीच में आपसे। गाइस, 8 hours की स्लीप मैंडेटरी होती है, 7 से 8 घंटे ज़रूर सोने चाहिए। आधी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, आधी बीमारी एक अच्छी नींद से ही ख़त्म हो जाती है। और आज की मॉडर्न लाइफ में ये नींद ही नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता है, अच्छी चैन की नींद नहीं मिलती। जो ट्राई करते हैं, सोती हूँ और सुबह आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आई हूँ क्लिनिक, आज है फ्राइडे मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप जानते हो, मेरी तबीयत हो रही थी बहुत ख़राब, तो मुझे आना पड़ा था क्लिनिक। अब नीचे जाके आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है, कुछ दवाइयाँ मेरी चेंज हुई हैं,
एक्चुअली हमेशा मैं हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिल लेती हूँ, वहीं डॉक्टर का क्लिनिक भी है, तो मैं आज उनके क्लिनिक में ही आई सुबह अर्जेंट में, बिकॉज तबीयत बहुत ख़राब है। मैं दो दिन से सो नहीं पा रही हूँ खांसी की वजह से, गला ख़राब है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में इस टाइम पे, और इस टाइम पे एज यू नो मेरे जैसे पेशेंट जो एस्थमेटिक प्री एस्थमेटिक है या फिर जिन्हें कफ वगैरह रहता है उनके लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो मुझे भी खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा है दो दिन से, एक्चुअली मैं परेशान हो रही हूँ। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और ये शाम के 7:30-8:15 बज रहे हैं। सॉरी सुबह मैंने ब्लॉग अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, और आप देख सकते हो मम्मी ने तुलसी मैया को कितने सुंदर सजाया है। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है तुलसी पूजा और हमारे घर में होती है तुलसी की पूजा। ये देखिए कितना सुंदर मम्मी ने सजाया है, और यहाँ पर आज के दिन हम लोग गन्ने से भी पूजा करते हैं, तो गन्ने को रख के और भी फल सब्जियाँ जो होती हैं वो रखी जाती हैं, और दीपक ही मतलब हमारे घर के जो लड़के होते हैं वो इसकी पूजा करते हैं, इसका चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वही दीपक जी यहाँ पर देखो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर चक्कर राउंड लगाएंगे, कुछ 5 कुछ 7 कुछ 11 ऐसे लगाने होते हैं। तो साथ में दीवू को भी मम्मी ने बोला कि तू भी पापा के साथ लगा ले, तो यहाँ दीवू भी लगाने लग गई उनके साथ चक्कर। एक्चुअली मम्मी ने सुबह सारी तैयारी पहले से ही कर दी थी, बस वो हमारा वेट कर रही थी आने का, और हम जैसे ही आए फिर दीपक जी का स्पेशली क्योंकि वो पूजा उनको ही करनी थी, तो वो फटाफट उन्होंने फिर पूजा करी है। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा चल रही है, आप भी देखिए। सो तुलसी पूजा की आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और गाइस हमारे यहाँ तुलसी की पूजा में लड़के करते हैं तो दीपक जी करेंगे। मम्मी ने सारा अरेंजमेंट हमारे ऑफिस से आने से पहले ही कर दिया था, सारा लंबा सामान लगा के बस हमारे ऑफिस से आने का वेट हो रहा था, तो बस अब आ गए हैं, पूजा भी कर दिया है। एंड घर की कंडीशन गाइस इस टाइम ऐसी है कि मेरी तबीयत के बारे में तो सब जानते हैं, बट मेरी सासू माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है इस टाइम पे, वो भी बेचारे बहुत परेशान है। स्टमक की प्रॉब्लम चल रही है, मम्मी को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उन्हें भी, तो शायद देखो अभी दीपक जी शायद डॉक्टर के पास लेके जाएं या जैसा भी है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और फिलहाल कहते ना फेस्टिवल तो अच्छे से हम सब ने मना लिए, फेस्टिवल अच्छे से गुजर गए सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद जो उसकी थकान समझ लो या कुछ भी समझ लो, अभी सब सास बहू दोनों बीमार पड़े हैं और दिक्कत आ गई है बहुत ज़्यादा, तो बस अभी यही चल रहा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये है सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग। एक्चुअली आपके पास थर्सडे इवनिंग से लेके सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग आएगा, और अभी बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं ऑफिस नहीं गई थी, थोड़ा सा मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था, घर में ही रहने के लिए बोला था, इसलिए बस वही छोटे मोटे काम मैं घर में रुक के कर रही थी। तो मुझे बेडशीट बिछानी थी, तो मैंने फटाफट सोचा पहले चलो बेडशीट बिछा लेती हूँ, थोड़े से काम कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बेडशीट लग गई है, और ये रही मम्मी, मम्मी ने पीछे मशीन लगाई हुई है पूरी, पीछे देखो आपका पानी आ रहा है, पाइप हो रहा है। मम्मी हाय बोल दो सबको। यहाँ नीतू भी आई हुई है डिश वॉश के लिए, तो बस ये मेरे को दीवू ने दिया था। सो ये कपड़े प्रेस होके आए हैं, ये अलमारी में लगाने हैं और थोड़ी सी अलमारी ठीक करनी है, तो चलिए पहले अलमारी ठीक कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऊपर की शेल्फ से जितना ये भरा हुआ आप देख रहे हो, ये सारा क्या होता है, मम्मी वॉश करते हैं कपड़ों को तो वो हमारी एब्सेंस में लगा देते हैं कपड़े, जैसे वो बाहर बिखरे ना रहे, लेकिन फिर वीकली मेरा काम होता है कि सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना अपने अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर मैं अभी करूँगी। और जो ऊपर का शेल्फ है सारे कपड़े मैं यहाँ से निकाटा के इन्हें दोबारा तरीके से लगाऊँगी। सो गाइस मेरी अलमारी लग चुकी है, तो आपको दिखा देती हूँ। ये जो पूरा कंपार्टमेंट है
ये दीपक जी का है ऊपर का, बस लास्ट में इतना सी एक साड़ी मेरी यहाँ पर टंगी हुई है, एक बैंगल हैंगर और पीछे मेरी शादी की चुन्नी, जो कि हमारे घर में जो भी पूजा होती है उसमें मुझे लेनी होती है। तो ये दो चीज़ें बस मेरी हैं, बाकी ऊपर का पूरा कंपार्टमेंट दीपक जी का है। नीचे ये वाला सेक्शन मेरे टी शर्ट पजामा का है, ये वाला सेक्शन दीपक जी के टी शर्ट पजामा का है, ये एक एक बास्केट ये मेरी है, ये वाली दीपक जी की है, ये टावल है और ये मेरी चाय है, अभी मम्मी ने मुझे बना के दी है। ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हो ये मेरे मेकअप का है, ऐस की मेरे पास सिर्फ एक ये वॉल मिरर है और स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस मैं अपना सारा सामान यहाँ स्टोर करके रखती हूँ। और नीचे वाला सेक्शन आप देख रहे हो वो मेरा है ऑफिस वियर का, ये वाला, ये पूरा सेक्शन मेरे ऑफिस वियर का। ये जो थैला है इसमें कुछ कपड़े ड्राई क्लीन किए जाने हैं। नीचे वाला सेक्शन में चद्दर है, अभी अलमारी बंद कर देते हैं। हाय गाइस, तो अभी क्या सीन है गाइस कि घर में सब बीमार पड़े हैं, पूरा घर बीमार पड़ा है हमारा इस तरह इस टाइम पर। दीबू को भी अभी ट्यूशन भेजा था, वहाँ से भी फोन आ गया, ये सुबह भी मुझे बोल रही थी इसके सर में दर्द हो रहा है, और इसके सर में दर्द होने का मतलब है इसको फीवर होना। दवाई मैंने इसको अभी दे दी है जो इसकी बेसिक दवाइयाँ हैं डॉक्टर्स लिख देते हैं जो, तो बच्चों वाली सारी दवाइयाँ मेरे पास फीवर की टेस्ट कोल्ड की रखी हुई है, तो वो मैंने दे दी है इसको, अभी ये सोएगी। मेरी तबीयत का आप सबको पता है, मम्मी का भी मैंने आपको कल बताया फूड इन्फेक्शन उनको हो गया है, तो वो भी कल दीपक जी के साथ रात को डॉक्टर के पास गई थी। तो अभी पता नहीं, मैं नहीं जानती यार क्या हुआ है, क्या नज़र लग गई है, क्या हो गया है कि पूरा घर बीमार पड़ा है हमारा इस टाइम पे। और टच वुड इस टाइम बस हस्बैंड ठीक रहे मेरे, अदरवाइज हम तीनों चारों लोग तो बीमार ही पड़े हुए, और बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी गाइस इस टाइम पे ना, हालत बहुत बुरी है सबकी। और बस ये है कि नौ रोज़मर्रा के काम तो करने ही है। एक्चुअली दिल्ली का पॉल्यूशन की वजह से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और गवर्नमेंट्स की भी कल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आई है, बच्चों की प्राइमरी स्कूल्स की तो छुट्टी कर दी गई है, तो दीपू की भी आज छुट्टी थी स्कूल की, एंड मे बी एक्सटेंड होगी छुट्टी अभी, बिकॉज दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और जो एस्थमेटिक हैं, जो प्री एस्थमेटिक हैं मेरी तरह, उनको तो बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है, और खाने में इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि इस टाइम पॉल्यूशन की वजह से सब चीज़ ख़राब हो रही है दिल्ली में। और तो मैं आपको बता दूं, मैं भी आज छुट्टी लेके बैठी हूँ ऑफिस की, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ ऑफिस में, खांसी इतनी ज़्यादा है, थ्रॉट से पता चल जाएगा आपको, मेरी बात करने के तरीके से पता चलेगा, तीन दिन से ब्लॉग आपके पास कंटिन्यू आ रहा है और मेरी आवाज़ इतनी ऐसी हो रखी है बिल्कुल, और बस बेसिक छोटे मोटे काम ही घर की कर पा रही हूँ, खाना भी नहीं बना रही हूँ दो तीन दिन से, नाश्ता सुबह का कुछ नहीं बना रही हूँ, कल रेडीमेड बाजार से मंगा लिया था, आज हल्का फुल्का मम्मी ने बना दिया, रात को मम्मी ने सब्जी वगैरह बना के रख दी तो मैंने रोटी सेक दी, मतलब घर में सबकी तबीयत खराब है, मिलजुल के थोड़ा बहुत काम हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बस मैनेज हो रहा है घर किसी तरीके से, अदरवाइज तबीयत तो किसी की भी ठीक नहीं है। मैंने भी आज भी कुछ नहीं बनाया है, बस या तो कभी थोड़ा बहुत मम्मी हल्का फुल्का बना देते हैं, या फिर क्योंकि मेरी इतनी खांसी हो रही है, खांसते खांसते खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं लगता, एक तो खाने की बात है और दूसरा बीमार तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो मम्मी हल्का फुल्का बना देते हैं या मैंने बाहर से मंगा दिया, जैसे उन्होंने बताया मैं बाहर से मंगा देती हूँ, ऐसे ही कर रहे हैं दीपक जी दो तीन दिन से, लंच बाहर कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, कल या परसों शायद लेके गए थे, कल नहीं लेके गए और आज भी नहीं लेके गए हैं, ऐसे ही चल रहा है गाइस घर में। तो अभी फ़िलहाल के लिए ब्लॉग मैं ओवर करती हूँ, मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस के अच्छे दिन अगर आपके साथ शेयर किए हैं तो बुरे दिन भी आपके साथ शेयर करने चाहिए। मैं देखो हर टाइम एक्टिव नहीं होते हम सब, हमारी फैमिली में भी हर टाइम सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, इन्जॉय नहीं कर रहे होते, समटाइम्स चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी सिचुएशन आती हैं जो हमारे घर में चल रहा है अभी। तो चलिए गाइस अभी ब्लॉग ओवर करती हूँ मैं और इसको देखती हूँ, मम्मी भी कपड़े वपड़े धो चुके हैं तो वो नहाने जा रहे हैं, आएंगे तो मैं कुछ बनाऊंगी कुछ देखती हूँ, और बस ब्लॉग ओवर करती हूँ अभी,
प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो गाइस, साथ मत छोड़िएगा, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर योर सेल्फ एंड प्लीज जो दिल्ली में रहते हैं खास तौर से वो लोग अपना बहुत ध्यान रखें, प्लीज 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 बहुत ध्यान रखें। इस टाइम बाहर का एनवायरनमेंट बहुत खराब है, बहुत ज्यादा।